नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी मखभूमि मखौड़ा धाम में है। तो आज मैं आप सभी को मखौड़ा धाम के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा कि मखौड़ा धाम का क्या महात्मा है, यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ किसने किया था, क्यों किया गया था, क्या महात्मा है, यहाँ पर मनोरमा नदी है उसका क्या महात्मा है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए क्यों किया था, कैसे किया था, किसने करवाया था, इससे लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। आप सभी हमारे साथ में बने रहिए। मखौड़ा धाम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी वह पवित्र जगह है जिसका महत्व आज भी उतना ही है जितना त्रेता युग में था। अयोध्या से लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में यह धाम स्थित है। इस स्थान का महत्व भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब अयोध्या के राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था और सूर्यवंश में उत्तराधिकारी का संकट खड़ा हो गया, तब गुरु वशिष्ठ के सलाह से राजा दशरथ ने मखौड़ा धाम में पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। इसका उल्लेख श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। मैं इस वक्त मखौड़ा धाम में यज्ञशाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, जो कि श्री रामचरितमानस में भी उल्लेखित है कि एक बार भूपति मन माही भय क्लान मोरे सुत नाही, गुरुगृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। इस प्रकार गुरु जी से प्रार्थना करने पर जो राजगुरु वशिष्ठ जी थे उनके आदेश पर श्रृंगी ऋषि को बुलाकर मखौड़ा धाम में पुत्रेष्ट यज्ञ कराया गया। इस वक्त मैं उसी यज्ञशाला के कुंड के पास में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया था कि भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर। जहाँ पर त्रेता युग में पुत्र प्राप्ति हेतु राजा दशरथ के द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया था, जिसका अनुष्ठान श्रृंगी ऋषि ने कराया था। मखौड़ा धाम में वह प्राचीन यज्ञशाला आज भी मौजूद है जिसमें से यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए और वह प्रसाद के रूप में तीनों रानियों को बांट दिया, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। यह पुत्रेष्ट यज्ञ आज भी अनवरत हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन से होती चली आ रही है। यह यज्ञ 7 दिनों तक चलती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मखौड़ा धाम में मनोरमा नदी के तट पर मैं खड़ा हुआ हूं और इसका क्या महात्मा है, मनोरमा नदी का आगमन पृथ्वी पर कैसे हुआ, इसके महात्मा के बारे में यहां पर सभी श्रद्धालुगण आते हैं स्नान करने के लिए, उनको क्या फ़ायदा मिलता है, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। आपसे मखौड़ा धाम के पास बहती मनोरमा नदी है, इससे जुड़ी कई सारी पौराणिक मान्यताएँ हैं जिस पर लोग विश्वास करते हैं। नचिकेता पुराण में माता मनोरमा नदी के महात्म का वर्णन किया गया है, जिसमें इस नदी को धरती की सबसे पवित्र नदी बताई गई है। इस नदी को सरस्वती की 7वीं धारा भी कहा गया है। मनोरमा नदी को लेकर ऐसी मान्यता है कि जहां मन रमे वही मनोरमा है और जहां मन का मांगा वर मिले उसे मनवर कहते हैं। इस प्रकार से मखौड़ा धाम का महात्म अपने आप में तमाम उपलब्धियों से भरा है, जहाँ पर साधु संत व आम जनमानस पूरी श्रद्धा के साथ में आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।